Assalamualaikum and welcome back with another vlog. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। साला का मौसम कुछ इस तरह का है, तीन दिन से इस तरह का मौसम है, बारिश हो नहीं रही, बादल रहते हैं लेकिन थोड़ी गर्मी रहती है इसकी वजह से। माउंटेन्स पे जब ना वो काफी अच्छा रहता है, वहां तो बारिश होती रहती है, लेकिन तीन दिन से सिटी के अंदर बारिश नहीं हो रही। तो अराउंड 30 टेम्परेचर है इस टाइम, और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ तीन और साला के खूबसूरत जगह। पहला बीच फजाया, यमन रोड पे आता है ये तीनों जगह यमन रोड पे हैं। उसके बाद पहले मक्सेल बीच, फिर बीच फजाया, उसके बाद हम लोग जाएंगे शाद। शाद जो जगह है वो तकरीबन जिस तरह जबल सुमहान है उसी तरह का है, लेकिन वो नीचे समंदर है। वहाँ पर बहुत अच्छा मौसम रहता है। जो सवाला का मक्सेल जो बीच है, मक्सेल बीच, वहाँ पर शायद किसी ने वीडियो देखी हो जहाँ से वो पानी ऊपर आता है समंदर का प्रेशर के साथ, एक वो जगह है। एक बीच फजाया है, टर्टल बीच भी उसको बोलते हैं। आज मैं तीन जगह आप लोगों को दिखाऊंगा। बस अभी निकल रहा हूँ, गाड़ी में बैठ गया हूँ, खाना खाना मैंने खा लिया यहाँ से। पीछे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से लंच किया, लंच करके मैं बैठ गया हूँ गाड़ी में। बस फिर मिलते हैं वीडियो के अंदर, वीडियो में। और काइंडली मेरा जो चैनल है आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब करना है, ये मेरा न्यू चैनल है, तो मैक्सिमम चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और सेकंड वीडियो को जरूर शेयर करना है ताकि आप लोगों की तरफ से चैनल को सपोर्ट मिल सके। तो मिलता हूँ व्लॉग में अच्छी अच्छी जगहों पर। सी यू। ये जो रोड टूटा हुआ है ना, ये 2019 में साइक्लोन आया था यहाँ पर, इसी तरह रोड था, ब्रिज था, वो बहुत बड़ा साइक्लोन था और बहुत तेज था, ये तब वो हिट किया था इस रोड को। ये मक्सेल बीच है और साइक्लोन आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक होगा जब वो हिट किया होगा यहाँ। ये जो सारा पानी देख रहे हैं ना, उससे पहले यहाँ पर पानी नहीं था, ये साइक्लोन की वजह से यहाँ पर पानी हुआ। और ये वाला जो टावर है ऊपर, we'll be right back।
लेके मरने को आ गया है। नहीं अभी तो आ गया निकल के फिर देखो वो नीचे तक क्या है ये पत्थर जो है कुछ भी यहाँ से पार हो सकती है थोड़ी संभाल के बस। हाँ सीधे चले ये है जी मक्सेल बीच। मक्सेल बीच है बहुत आउट क्लास बीच है लेकिन अभी लहरें जो है ना ये बीच वाली नहीं है जिस तरह हम लोग नहा सकते थे या स्विम कर सकते थे। ये सिर्फ खरीफ की वजह से ये बारिशों का सीज़न की वजह से जो है लहरें बहुत तेज़ रहती हैं। अभी इस साल में सिक्योरिटी बहुत इधर हाई अलर्ट की हुई है। एक पुलिस की गाड़ी वो है कि इधर एम्बुलेंस है वो इसकी वजह से कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि यहाँ पर 6-7 लोगों की डेथ हो गई थी। मैं दिखाता हूँ आप लोगों की कि वो लोग फ़ोटो बनवाने के लिए जब आगे जाते हैं तो लहरें तेज़ होती हैं वो पानी उनको साथ में बहा के ले जाता है तो वो 6-7 लोगों की लास्ट ईयर में यहाँ पर डेथ हुई थी। सो इसी वजह से वैसे भी जगह जगह इन लोगों ने सिक्योरिटी वाले बैठा दिए हुए हैं ताकि लोग आराम से इंजॉय कर सकें ना कि आगे जाके फ़ोटो सेशन के लिए अपनी जान दांव पे लगाएं। तो यहाँ पर हवा बहुत तेज़ है पता नहीं मेरी आवाज़ सही तरह रिकॉर्ड हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी नहीं तो मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करना पड़ेगा।
लास्ट ईयर में ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसी जगह पे से ही वायर्स लगी हुई थी, बाउंड्री बनी हुई थी, लोग आगे गए फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि जब क्या रहता है जब लहर आती है ऊपर तो व्यू बहुत आउट क्लास बन जाता है फोटो के लिए। इसी तरह उसी व्यू को कैप्चर करने के लिए लोग सेम इस तरह के प्लेस पे उधर आगे गए, जब वो लहर ज़्यादा बड़ी आई उनके ऊपर गिरी वो, फिर ले गई उनको साथ में अपने, और उसके बाद क्या हुआ उनको बचाने के लिए दो लोग पीछे भागे वो भी डूब गए। वो 6-7 लोगों की डेथ हुई थी लास्ट ईयर में। तो ये जो सेफ्टी हमारे लिए आप लोगों के लिए ये गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, तो लिहाजा काइंडली इसको क्रॉस मत किया करें। तो इन दिनों में तो वैसे भी आप लोग लहरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डेंजरस है कि उसके पास जाके खड़ा होना या बीच में जाके नहाना। Take it slow, let it go, roll down all the windows.